मैनपुरी चुनाव के बाद शिवपाल को जेल भेजेगी सरकार। शिवपाल की घेराबंदी में जुटी बीजेपी सरकार। शिवपाल के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच में आई तेजी। शिवपाल यादव से सीबीआई कर सकती है पूछताछ। सीबीआई की गिरफ्तारी के भी मिल रहे हैं संकेत। शिवपाल यादव परिवार के साथ हैं। डिंपल को चुनाव जिताने के लिए सर्दी में पसीने बहा रहे हैं। जिस भतीजे से 5 साल से दावत चल रही थी उसे नेता मान लिया है। भतीजे जो 6 महीने पहले पत्र लिखकर चाचा से कह रहा था जहां जाना हो चले जाएं, हमारी ओर से स्वतंत्रता है, वो खुद चाचा के घर पहुंचकर उन्हें मनाने में कामयाब हो गया। आज मुलायम सिंह का पूरा परिवार एकजुट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एकजुटता शिवपाल पर भारी पड़ती दिख रही है। अखिलेश ने जब शिवपाल को किनारे लगा दिया तो शिवपाल को सहारा प्रदेश की योगी सरकार से मिला। बीजेपी ने शिवपाल का हर कदम पर साथ दिया। उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित किया गया बंगला दिया गया। जहां जहां शिवपाल को मदद की जरूरत पड़ी वो उनके पास पहुंचती रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका कई सीटों पर फायदा भी मिला, लेकिन मुलायम के निधन के बाद अब शिवपाल अपने परिवार के पास लौट गए हैं। शिवपाल पर परिवार का दबाव था, साथ ही उनका बेटा आदित्य भी परिवार के साथ ही रहने का दबाव बना रहा था। शिवपाल परिवार के साथ हुए तो योगी सरकार की नजरें उन पर टेढ़ी हो गई हैं। करहल में बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक के प्रचार में पहुंचे योगी आदित्यनाथ के निशाने पर शिवपाल ही रहे। योगी ने शिवपाल का नाम लिए बिना उन पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल को फुटबॉल और घड़ी का पेंडुलम और न जाने क्या क्या नाम दे दिए। योगी ने संकेत दे दिए कि शिवपाल की स्थिति फुटबॉल जैसी होने वाली है, और योगी के बयान को ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था कि अब इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। शिवपाल पर अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। शिवपाल पर बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। 2017 में योगी सरकार बनने के साथ ही गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू हो गई थी। सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई थी। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी थी। जांच के घेरे में अखिलेश सरकार में सिंचाई मंत्री रहे शिवपाल यादव थे। उन पर शिकंजा कसता दिख रहा था, लेकिन तभी शिवपाल सपा से अलग हो गए और रिवर फ्रंट घोटाले का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब इसकी फाइल झाड़ पोंछ कर फिर से निकाल ली गई है। 3 लोग सीबीआई के रडार पर आ चुके हैं, जिसमें से 2 अधिकारी हैं और तीसरे उस समय के सिंचाई मंत्री यानी शिवपाल सिंह यादव हैं। सीबीआई ने पूछताछ की अनुमति भी मांगी है। शासन ने निर्णय लेने के लिए सिंचाई विभाग से संबंधित रिकॉर्ड को तलब किया है। रिवर फ्रंट मामले की जांच की खबर मिलते ही शिवपाल यादव चिंतित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुकाबला करने का दम भर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि सरकार कितना भी परेशान कर ले, मैनपुरी सीट से चुनाव डिंपल यादव ही जीतेंगी। सरकार को जो करना है उसका सामना कानूनी तरीके से किया जाएगा। समाजवादी कभी भी जेल जाने से नहीं डरे हैं और आगे भी नहीं डरेंगे। दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का दावा है कि सपा की आदत हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की हो गई है। रिवर फ्रंट घोटाले की सीबीआई जांच बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा है। साफ है 6 साल बाद बीजेपी को अपना संकल्प पत्र याद आ गया है, लेकिन इससे पहले शिवपाल यादव की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। मैनपुरी लोकसभा चुनाव के बाद सीबीआई शिवपाल यादव से पूछताछ शुरू कर सकती है, और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन शिवपाल की गिरफ्तारी से पहले बीजेपी सरकार कई सबूत जुटाने की कोशिश में लगी है, जिससे शिवपाल को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वो जल्दी बाहर ना सके। वैसे संकेत इस बात के भी हैं कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद चाचा भतीजा में फिर दरार आती है तो शिवपाल को राहत भी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।